नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। खबर है कि शिंदे सरकार ने ठाकरे के कार्यकाल के दौरान कुछ अहम मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भूमिगत हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनाने के लिए निविदा जारी की गई है। वही चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को ये साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा है कि उनके पास शिवसेना में बहुमत है। दोनों गुटों को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। तो उधर पॉपुलर सीरियल भाभी जी घर पर है में अपने अभिनय से सबको हंसाने वाले एक्टर दीपेश भान अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बीच बीएमसी स्कूलों के शिक्षक इस वर्ष विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ एक और काम में व्यस्त है। ये काम है छात्रों से छत्री का बिल जमा करवाने का। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है। प्रदेश की इन 5 खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए कई फैसलों को पलट दिया। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस नई सरकार ने ठाकरे के कार्यकाल के दौरान के कुछ अहम मामलों की जाँच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से ये खबर मिली है कि नई सरकार अहम मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। साथ ही ये भी बताया गया है कि भाजपा नेता गिरीश महाजन सहित 28 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को संकट में डालने वाली फोन टैपिंग रिपोर्ट के लीक होने से संबंधित मामले को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया है। नई सरकार के आने के साथ ही महाराष्ट्र में 2 अहम मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से पुलिस को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज मुकदमों को राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के लिए कहा गया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन सहित 28 अन्य के खिलाफ रंगदारी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही फोन टैपिंग रिपोर्ट लीक करने के लिए मुंबई पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन परियोजना आगे बढ़नी शुरू हो गई है। इसके तहत मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भूमिगत हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनाने के लिए निविदा जारी की गई है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड यानी NHSRCL का दावा है कि पालघर जिले में भूमि अधिग्रहण का मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। NHSRCL की प्रवक्ता सुषमा गौड़ ने बताया कि परियोजना के C1 पैकेज के तहत मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड स्टेशन के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। यह इस परियोजना का एकमात्र भूमिगत रेलवे स्टेशन है जो जमीन से 24 मीटर गहराई पर होगा। 3 मंजिला रेलवे स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म होंगे और प्रत्येक प्लेटफॉर्म की लंबाई 16 कोच की बुलेट ट्रेन के ठहराव के मुताबिक होगी। सुषमा गौड़ ने बताया कि भूमिगत स्टेशन में प्राकृतिक प्रकाश के लिए एक अलग रोशनदान होगा। स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रणाली, टिकटिंग प्रतीक्षा क्षेत्र, बिजनेस क्लास लाउंज, नर्सरी, विश्राम कक्ष, धूम्रपान कक्ष, सूचना कियोस्क और आकस्मिक राहत, सार्वजनिक सूचना और घोषणा प्रणाली, CCTV निगरानी आदि सुविधाएं होंगी। मेट्रो, बस, ऑटो और टैक्सियों जैसे परिवहन के अन्य साधन भी एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही ठाणे में डिपो एवं स्टेशन के लिए भूमि पहले दी जा चुकी है और मुंबई एवं ठाणे में वन एवं पर्यावरण स्वीकृति मिल भी चुकी है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को ये साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा है कि उनके पास शिवसेना में बहुमत है। दोनों गुटों को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। इसके बाद चुनाव आयोग शिवसेना के दोनों गुटों के दावों पर विवादों को लेकर सुनवाई करेगा। असली शिवसेना को लेकर चल रही खींचातान चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। शिंदे गुट और ठाकरे गुट ने आयोग के समक्ष पार्टी को लेकर दावेदारी पेश किया है। उद्धव ठाकरे के खेमे में अनिल देसाई ने कई मौकों पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि पार्टी के कुछ सदस्य पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है।
उन्होंने शिंदे गुट द्वारा शिवसेना या बाला साहब नामों का उपयोग करके किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना पर भी आपत्ति जताई थी। अनिल देसाई ने एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, तांजी सावन और उदय सामन को पार्टी के सभी पदों से हटाने की मांग भी की थी। वहीं एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना घोषित करने और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर उन्हें आवंटित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। दोनों ही दावेदारी पर चुनाव आयोग का कहना है, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शिवसेना में विभाजन की स्थिति है। पॉपुलर सीरियल भाभी जी घर पर है से एक बुरी खबर सामने आ रही है। अपने अभिनय से सबको हंसाने वाले एक्टर दीपेश भान अब इस दुनिया में नहीं रहे। 23 जुलाई को सुबह उनकी अचानक मौत हो गई। इस सीरियल में वो मलखान का किरदार निभाते थे। उनकी कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेश भान की मौत का कारण अभी तो क्लियर नहीं हो सका है, लेकिन जब वो सुबह क्रिकेट खेल रहे थे तभी अचानक से गिर गए। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। 11 मई 1981 में जन्मे दीपेश महज 41 की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी को एक्टर चारू मलिक ने इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने एक्टर के साथ अपने बॉन्ड के बारे में कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि दीपेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उसे पिछले 8 सालों से जानती थी। वह सेट पर मेरे से ज्यादा करीब था। हम साथ में खाना भी खाते थे। चारू ने कहा कि दीपेश भान एक अच्छे कलाकार के साथ अच्छे इंसान भी थे। वो हमेशा उनको सीन्स के दौरान गाइड भी किया करते थे, लेकिन उनका यूं चला जाना सभी के लिए भारी क्षति है। तिवारी जी के रोल में सबको हंसाने वाले एक्टर रोहितांश गौर ने भी दीपेश के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वो जिम के बाद क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में चला गया था। ये उसके फिटनेस रूटीन का हिस्सा था, लेकिन खेलते समय वो अचानक से गिर गया। बीएमसी स्कूलों के शिक्षक इस वर्ष विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ एक और काम में व्यस्त है। ये काम है छात्रों से छतरी का बिल जमा करवाने का। विद्यार्थियों से छतरी खरीदी के सबूत के तौर पर 270 रुपए का बिल मांगा जा रहा है। बिल के नए काम ने शिक्षकों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हर साल बीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त में करीब 27 वस्तु दी जाती है। इनमें विद्यार्थियों को बारिश से बचाने वाली छतरी भी होती है, लेकिन इस वर्ष मानसून से पहले बीएमसी छतरी खरीद नहीं पाई है। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से छतरी खरीदने की प्रक्रिया में अधिक समय लगने की संभावना को देख बीएमसी ने विद्यार्थियों को सीधे छतरी का पैसे देने का निर्णय लिया है। इसके लिए ही बिल मांगा जा रहा है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि देश की सबसे धनी मनपा अपने विद्यार्थियों के लिए समय पर छतरी नहीं खरीद पाई, ये ताज्जुब की बात है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मुंबई विभाग के कार्यवाहक शिवनाथ दराड़े के अनुसार बीएमसी स्कूलों में कम शिक्षक होने की वजह से पहले से शिक्षकों पर काम का बहुत बोझ है। प्रशासन ने हमारी मांग है कि छतरी का बिल जमा करवाने का काम शिक्षकों के बजाय बीएमसी के परचेस विभाग के अधिकारियों से करवाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में दी जा रही सुरक्षा जारी रखने अनुमति दे दी है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस में अनियंत्रित डंपर ने हरिद्वार से ग्वालियर कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को रौंद दिया। तो उधर बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया, जिसका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआई और एसडीपीआई से है। एनआईए गृह मंत्रालय का आदेश मिलने के बाद मामले को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में है। उधर पटना पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मोहम्मद जलालुद्दीन और वकील नरुद्दीन जंगी को पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों को देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता और एसडीपीआई और पीएफआई के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनआईए फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले को संभालने की प्रक्रिया में है। एनआईए की पूर्वी चंपारण जिले के जामिया मारिया निस्वा मदरसा में तलाशी लेने और असगर अली के रूप में पहचाने जाने वाले एक शिक्षक को गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद गृह मंत्रालय का ये निर्देश आया है। बता दें कि जलालुद्दीन और अतहर परवेज को 13 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से और जंगी को 3 दिन बाद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।
फुलवारी शरीफ मामले में बिहार पुलिस ने अब तक 26 लोगों को नामजद किया है और 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे, जिसमें देश के खिलाफ जिहाद शुरू करने के तरीके पर विजन 2047 इंडिया शीर्षक वाला एक दस्तावेज भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने देश के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में दी जा रही सुरक्षा जारी रखने अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में त्रिपुरा हाई कोर्ट में PIL के आधार पर जारी मामले की सुनवाई खारिज कर दी। याचिका में मुकेश अंबानी और उनके परिवार को टॉप कैटेगरी की सुरक्षा देने को लेकर सवाल उठाए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को ये बताया गया था कि टॉप बिजनेसमैन अपनी सुरक्षा पर होने वाले खर्च का सरकार को भुगतान कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस NV रमन की अगुवाई वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका की सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तब जब अंबानी परिवार सुरक्षा पर आने वाले खर्च का भुगतान खुद कर रहा है। अंबानी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने कहा कि अंबानी परिवार को सुरक्षा बंदोबस्त दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका दुर्भाग्यपूर्ण है। अंबानी की RIL देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। इनमें 40 से 50 लाख लोग काम करते हैं और हम जानते हैं कि आज किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी देशों के उलट हमारे यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एडवांस और हाई लेवल के वेपन नहीं रख सकते हैं। सरकार अंबानी को सुरक्षा प्रदान करने पर जो भी खर्च करती है उसका पूरी तरह से भुगतान कर दिया जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सामूहिक बलात्कार की ये वारदात रेलवे स्टेशन के किसी अंधेरे इलाके में नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर ही हुई, जहां एक रूम में एक महिला के साथ दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 2 इनका साथ देने वाले आरोपी है। 4 आरोपी रेलवे के कर्मचारी बताए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि पीड़ित महिला की उम्र 28 से 30 साल के बीच है। उसकी यह आरोपियों में से एक से कुछ समय पहले जान पहचान हुई थी। गुरुवार शुक्रवार रात को एक आरोपी ने पीड़ित महिला को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी बहाने से बुला लिया। इसके बाद आरोपी उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर बने एक कमरे में ले गया। ये कमरा प्लेटफॉर्म पर फुटओवर ब्रिज के नीचे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और अन्य विभाग द्वारा इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ उपकरण भी लगे हैं। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ने वहां 3 और लोगों को बुला लिया। सभी आरोपी नशे में थे। उन्होंने महिला को डरा धमका कर उसके साथ गैंगरेप किया। मामले में सीधे तौर पर 2 लोग शामिल बताए गए। अन्य 2 को भी पुलिस ने इसका साथ देने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया। बदहवास पीड़िता ने किसी तरह होश संभालने के बाद पुलिस को शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे PCR कॉल की। इसके तुरंत बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा। प्रकरण की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शुक्रवार देर रात 2 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित डंपर ने हरिद्वार से ग्वालियर कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को रौंद दिया। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। दोनों घायलों को आगरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे के वक्त सभी लोग एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। आरोपी ट्रक चालक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। दरअसल इस समय सावन का महीना चल रहा है। गंगा घाट के कांवड़िये पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों के शिवालयों पर जाते हैं। हाथरस के आगरा मार्ग बड़े चौराहे पर तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक ने कांवड़ियों को रौंद दिया। इसमें 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल कांवड़िया ने बताया कि वह हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर के लिए जा रहे थे। रास्ते में खाने के लिए ढाबे पर रुके थे, इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर टक्कर मारकर भाग गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और आनन फानन घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डंपर चालक की तलाश की जा रही है। आगरा जोन के ADG राजीव कृष्ण ने बताया कि घायल में से एक की स्थिति नाजुक है। वाहन के बारे में जानकारी मिली है और बहुत जल्द आरोपी पकड़ा भी जाएगा। बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। इसी कड़ी में ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी छापा मारा, जहां से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये वही रुपए हैं जो शिक्षक भर्ती के नाम पर रिश्वत के तौर पर लिए गए थे।
अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 कीमती मोबाइल फोन, सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अर्पिता मुखर्जी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया है, हालांकि वो ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल में ही नजर आई है। अर्पिता को पार्थ चटर्जी की कानूनी सलाहकार बताया जाता है। जांच के दौरान ईडी के अधिकारी अर्पिता से काफी देर तक पूछताछ कर चुके हैं। इसके अलावा अर्पिता और पार्थ दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन से भी जुड़े हैं। पार्थ चटर्जी कोलकाता की इस लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति का संचालन करते हैं। बताया जा रहा है कि अर्पिता 2019 और 2020 में दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन में चेहरा रही है। इसी दुर्गा समिति से पार्थ और अर्पिता के तार जुड़े हैं। इस समिति के दुर्गा पूजा कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर चुकी है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस दुर्गा पूजा के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया है, जिनमें ममता, पार्थ और अर्पिता मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम अपनी खूबसूरती के लिए कम, सेक्स टूरिज्म के लिए ज्यादा फेमस है। लेकिन अब एम्स्टर्डम की मेयर का कहना है कि आप यहाँ सिर्फ देश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आइए, सेक्स और ड्रग्स लेने वाले लोगों का हम अब स्वागत नहीं करेंगे। तो हाल के दिनों में भारत ने काफी खामोशी के साथ अफगानिस्तान में खुद को फिर से स्थापित कर लिया है। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक बार फिर से खेला हो गया है। वहां शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार दो बच्चों में मंकी पॉक्स की पहचान की गई। इस बीच सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक यहूदी पत्रकार के घुसने के बाद विवाद बढ़ गया है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेक्स टूरिज्म के नाम से मशहूर देशों की लिस्ट में नीदरलैंड का नाम भी शामिल है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम अपनी खूबसूरती के लिए कम, सेक्स टूरिज्म के लिए ज्यादा फेमस है। यहाँ का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में लोअर से लेकर अपर क्लास तक के लिए सेक्स वर्कर्स मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पीप शॉप, स्ट्रीट क्लब, सेक्स शॉप्स की भी भरमार है। अब एम्स्टर्डम की मेयर को ये सब बुरा लगने लगा है। उनका कहना है कि आप यहाँ सिर्फ देश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आइए, सेक्स और ड्रग्स लेने वाले लोगों का हम अब स्वागत नहीं करेंगे। नीदरलैंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा देश है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। नीदरलैंड को सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है, लेकिन यहाँ खुलेआम सेक्स करने की मिली छूट और ड्रग्स के सेवन के कारण बढ़ते आपराधिक गतिविधियों ने इस शहर को पाप के शहर में तब्दील कर दिया है। यहाँ का रेड लाइट एरिया दिन रात गुलजार रहता है। एम्स्टर्डम में तो वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है। ड्रग्स लेना यहाँ जुर्म नहीं है। खबर के मुताबिक सेक्स और ड्रग्स यहाँ के मुख्य आय के स्रोत है, इसलिए लोग खुलकर सेक्स और ड्रग्स का आनंद लेने दूर देशों से यहाँ पहुँचते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 100 प्रमुख देशों में से 49 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई, जबकि 12 देशों में इसे कुछ शर्तों के साथ मान्यता हासिल है। पिछले साल 15 अगस्त को जब अफगानिस्तान की गद्दी छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी फरार हुए थे, तो यही माना गया कि अफगानिस्तान से अब भारत के भी पांव उखड़ गए हैं। लेकिन नई दिल्ली ने नए तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित कर लिया है। जून 2022 की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान अफगानिस्तान इराक डेस्क के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने काबुल का दौरा किया था और तालिबान के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान के बिछाए गए कांटों के बाद भी भारत ने जिस रफ्तार से अफगानिस्तान में वापसी की है वो काफी दिलचस्प है। दरअसल गनी सरकार के पतन के बाद अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण हितधारक और साथी के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए नई दिल्ली ने काफी तेजी के साथ काम किया है, जबकि लग यही रहा था कि अफगानिस्तान के खेल में भारत पूरी तरह से अकेला है। भारत ने काफी खामोशी के साथ अफगानिस्तान में खुद को फिर से स्थापित कर लिया है और भारत ने वास्तव में साझा हितों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक बार फिर से खेला कर दिया गया है। पिछले हफ्ते हुए उपचुनाव में बंपर जीत हासिल करने वाले इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PMLAQ को तगड़ा झटका लगा है
और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की गेम के बदौलत शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। हमजा शरीफ ने इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार परवेज इलाही को हरा दिया है, लेकिन ये मतदान काफी ज्यादा विवादित रहा है और इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में कल शुक्रवार का दिन भारी नाटकीय रहा। PMALN के उम्मीदवार हमजा शाहबाद ने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को 3 वोटों से हराकर पंजाब के मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखा है, लेकिन ये मतगणना विवादित इसलिए हो गया और इमरान खान के साथ खेला इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष दोस्त मजारी ने संविधान के अनुच्छेद 63A का हवाला देते हुए PMALQ के 10 सदस्यों के वोट को खारिज कर दिया जो इमरान खान के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे। नतीजतन हमजा को 179 वोट मिले, जबकि इलाही जिसे PTI का समर्थन प्राप्त था उन्हें सिर्फ 176 वोट मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार 2 बच्चों में मंकी पॉक्स की पहचान की गई और US सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी पुष्टि कर दी है। CDC ने कहा है कि 2 मामलों की पुष्टि की गई है और ये दोनों मामले घरेलू प्रसार की वजह से हुए हैं। एक मामला एक बच्चे का है जो कैलिफोर्निया का निवासी है, वही दूसरा एक शिशु है जो अमेरिका का रहने वाला नहीं है। वही अब सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी जांच कर रहे हैं कि ये बच्चे मंकी पॉक्स से कैसे संक्रमित हुए हैं। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित हुए दोनों बच्चों की स्थिति अभी ठीक है। यहाँ मई में मंकी पॉक्स का प्रकोप शुरू होने के बाद से अभी तक देखा गया है कि ज्यादातर मामले समलैंगिक लोगों में हो रहे हैं, खासकर ऐसे पुरुषों में जो पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि त्वचा से त्वचा के निकट संपर्क के माध्यम से भी लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। वहीं बच्चों के मामले में एजेंसी ने कहा कि बच्चों को गोद लेना, गले लगाना, उन्हें खिलाना, साथ ही तौलिए, बिस्तर, कप और बर्तन जैसी साझा वस्तुओं के संपर्क में आने से वो संक्रमित हो सकते हैं। स्पेशल एक्सपेंड यूज प्रोटोकॉल माध्यम से बच्चों के लिए जीनियस मंकी पॉक्स टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक यहूदी पत्रकार के घुसने के बाद विवाद बढ़ गया है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, जिसके बाद अब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स पर आरोप है कि इसने पत्रकार की शहर में घुसने में मदद की। बता दें कि एक इजरायली चैनल के पत्रकार गिल तमारी ने ट्विटर पर एक वीडियो डाला था जिसमें वो मक्का शहर में थे। उनका ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो लोग भड़क उठे और इस मामले में एक्शन को लेकर आवाज उठाई। सऊदी पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक गैर मुस्लिम पत्रकार को शहर में एंट्री कराने और सुविधा देने के लिए एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने पत्रकार का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वो एक अमेरिकी नागरिक है। गिरफ्तार शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10 मिनट के वीडियो में तमारी माउंट अराफात पर है, जहां मुस्लिम तीर्थयात्री हज यात्रा के दौरान प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। गिल तमारी ने स्पष्ट किया कि वह जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गैरकानूनी है, फिर भी वो सिर्फ एक ऐसी जगह दिखाना चाहते थे जो हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही तमारी ने अपने कारणों को बताया हो, लेकिन सऊदी के सोशल मीडिया में इसे गलत माना गया। तो VKB न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।